कृष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको नाग पंचमी से संबंधित जानकारी दूंगा। दोस्तों, नाग पंचमी यानी जिनकी कुंडली में सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, पद्म काल सर्प योग होता है, कर्कोटक काल सर्प दोष होता है या शेषनाग काल सर्प दोष होता है, 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं और ये विभिन्न प्रकार से परेशानियां डालते हैं। कई काल सर्प दोष शुभ होते हैं और कई अशुभ होते हैं। काल सर्प दोष इस हफ्ते सभी राशि वालों पर चल रहा है, राशि के हिसाब से और कुंडली के हिसाब से अलग अलग स्थिति में ये होता है। 10 जुलाई और 25 जुलाई की नाग पंचमियां रहेंगी। 10 जुलाई और 25 जुलाई की श्रावण मास में दो नाग पंचमी पड़ेंगी, जिसमें से एक नाग पंचमी को विशेष रूप से अभिषेक किया जाते हैं और दूसरी नाग पंचमी को थोड़ा सा कम महत्व होता है, लेकिन महत्व उसका भी होता है। दोनों नाग पंचमियों को आप भगवान शिव जी का अभिषेक करें। अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, आंशिक सर्प दोष है, ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुतादि में तंदो दंती प्रचोदयात्, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंतादिमी तन्नो दंती प्रचोदयात्, यानी ये नाग गायत्री मंत्र होता है। इस मंत्र के द्वारा आप भगवान शिव जी का अभिषेक करिए, नाग देवताओं की पूजा करिए कि हे वासुकी देव, हे तक्षत, हमारी पूजा को स्वीकार करें। और नागों की जो देवी है वह मनसा देवी है, आप हमारी पूजा करें। हे मनसा देवी, हमारे कुंडली में जो भी अशुभ दोष हैं उनको शांत करें। भगवान शिव जी की पूजा करने से, क्योंकि भगवान शिव जी की बड़ी कृपा है नागों के ऊपर, नाग को वो खुद धारण करते हैं, ये भुजंग माला यानी नागों की माला पहनते हैं वो, और भगवान शिव जी का अभिषेक करने से सारे दोष शांत हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति खराब होगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, शादी में अड़चन आती है, व्यापार खराब होता है, संतान प्राप्ति में रुकावट आती है, जिंदगी के हर खेत को बर्बाद कर देता है काल सर्प दोष। अगर ये शुभ पड़ गया तो आपको मालामाल कर देगा, और अगर अशुभ पड़ गया तो आपको सोने से मिट्टी बना देगा, यानी आसमान से सीधा जमीन पर। कितना भी बड़ा धन है, दौलत है, नरक बना देगा जिंदगी। इसलिए नाग पंचमी, आने वाली नाग पंचमी को सर्प देव की पूजा करें और भगवान शिव जी का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए भगवान शिव जी का अभिषेक करें। तो इस प्रकार से आप भगवान शिव जी की पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। नागान रलाय त्रिलोचनाय भस्मांग नागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। भगवान शिव जी की अनेकों प्रकार से आराधना करें। भगवान शिव जी की ओम नमः शिवाय मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर चढ़ाएं, नाग गायत्री मंत्र बोलते हुए या ओम नाग देवताभ्यो नमः ऐसे बोलते हुए। तांबे के नाग नागिन चढ़ा सकते हैं। पीपल वृक्ष पर पानी चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं और 7 परिक्रमा दें दीपक जला करके। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कुंडली में सर्प दोष है कि नहीं है, आप कैसे पता करें? आप सामने कुंडली खोलें और कुंडली खोल करके आप देखेंगे कि जहां पर राहु बैठा हुआ है, जहां पर जिस घर में राहु बैठा हुआ है उस घर से आप काउंट करेंगे, देखेंगे तो उससे लास्ट में घर में आपको केतु मिलेगा, और राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होंगे, 9 ग्रह, काउंट कर लेना, उसके आगे कोई ग्रह नहीं होगा।
यानी मानो एक घर में राहु बैठा है प्रथम घर में और सप्तम भाव में केतु बैठा है, यानी जिस घर में राहु होगा उससे सप्तम भाव में केतु होगा। अब आप काउंट करेंगे कि एक घर से लेकर के और सातवें घर तक सारे ग्रह आ गए अंदर, उसके अंदर आ गए सारे ग्रह पूर्ण रूप से, या इधर तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली में पूर्ण काल सर्वदोष है। एक से सात तक सारे ग्रह आ गए, आठ नौ दस ग्यारह बारह इनमें कोई भी ग्रह नहीं है, तो आप समझ जाएंगे आपकी कुंडली में काल सर्वदोष है। एक से सात तक पूरे ग्रह आ गए और एक दो तीन चार पांच छह में कोई ग्रह नहीं है, सारे ग्रह इधर बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए आप पूर्ण काल सर्वदोष है। तो इस प्रकार से आप स्वयं अपनी राशि के बारे में अपने दोष के बारे में जान सकते हैं। अगर इससे चंद्रमा बाहर निकल जाते हैं तो वह सर्वदोष होता है। अगर दो ग्रह बाहर निकल जाते हैं, मानो राहु केतु के अंदर सात ग्रह आ गए दो बाहर निकल गए, तो वह आंशिक सर्वदोष हो जाता है। तो सर्वदोष कोई भी हो कैसा भी हो, आप शिव जी की पूजा करें, शिव जी का अभिषेक करें, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् बंधनान् मृत्युमूर्तिम् अमृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा करें, अभिषेक करें, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सामान लेकर के आप जाए, अभिषेक करें भगवान का पंचामृत से, उसके बाद में गंगा जल से स्नान कराए, उसके बाद में अगर हो तो भस्मी चढ़ाएं, नहीं तो आप सीधा नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दें। नाग नागिन का जोड़ा वहां शिवलिंग पर चढ़ा करके उसके बाद में उस नाग नागिन के जोड़े को पान के पत्ते पर रख करके जमुना जी में प्रवाहित करके आए और ओम नवकुलाय विद्महे विष्टंता आदि में तंदु सर्प प्रचोदयात नाग गायत्री मंत्र बोलते हुए नागों को विसर्जित कर दें कि हे नाग देवता, हमारे कुंडली में जो भी दोष था, जो भी परेशानी थी, उसे शांत करें और शुभ दृष्टि प्रदान करें। देखना आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, संतान धन व्यापार हर चीज का आपको सुख मिलेगा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा परेशानी खड़ी होती है, बहुत से दवाई खाते रहते हैं, आराम नहीं मिलता है, तो एक दोष एक कारण उसमें से काल सर्प दोष भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है और आने वाले 10 तारीख को 25 जुलाई को नाग पंचमी वाले दिन भगवान शिव जी की पूजा करनी और नाग देवताओं की पूजा करनी। ओम नाग देवता भ्यो नमः।